एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा पिटू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो कल मेरा तबीयत बिगड़ गया था थोड़ा सा। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि दही रोटी मैंने खाया था, इसी की वजह से ना मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो चुका था। तो रात में बहुत ज्यादा पेट में दर्द था, तो सुबह उठी और मॉर्निंग में सबसे पहले काली मतलब मुंह बासी जो होता है ना, तब जो मतलब स्टोन का जिसको दिक्कत होता है ना, वो ये वाला पत्ता जो होता है ना, इसका पत्ता का मैं नाम नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता दूंगी जिसको मतलब जरूरत होगा ना उसको, मतलब कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगी। ये खाने से ना मतलब राहत रहता है, दर्द ना आपको मतलब धीरे 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 कम होता है, मतलब आराम लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी ना, पहले हमेशा खाती थी खट्टा, और ये जो पत्ता है ना ये छोटा छोटा रहता है ना, तो खट्टा मीठा लगता है। अगर मतलब जुआ गया और बड़ा बड़ा हो जाता है तो वो थोड़ा सा तीता टाइप का लगता है, लेकिन खिंचा रहता है ना, तो वो आप खाओगे ना तो वो बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा टाइप का। अब वो आपके मतलब आपको फायदा बहुत करेगा, मतलब शरीर में लाभदायक एक बहुत है, अच्छा रहता है। पथरी जिसको भी स्टोन है ना उसको, उसके लिए तो बहुत फायदेमंद है। और मैं पहले भी खाती थी लेकिन कुछ टाइम से नहीं खा रही थी, तो मुझे दिक्कत हुआ। तो फिर याद आया कि वो मतलब पत्ता, मैं सोची कि सुबह सुबह तोड़ के फिर से खाते हैं, मतलब थोड़ा सा राहत लगता है उससे। और फिर दवा जो था वो भी मैं लेना स्टार्ट कर दी, और फिर दवा तो उस टाइम भी ली, तो दवा खाने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम हो जाता है। और दवा डेली मेरा नहीं चलता है, कभी कभी छोड़ छोड़ के, मैं ज्यादातर छोड़ छोड़ के और चलता मेरा आज का खाना, जैसे कि देख लो आज ना मूली, और मूली का जो पत्ता होता है ना उसका भुंजिया बनेगा। इसका भुंजिया ना क्या होता है ना कि बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, मतलब चावल दाल के साथ आप खाओगे ना तो उसका भुंजा के ना बहुत अच्छा, इसका मतलब टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसमें आप ना इसमें डालने की कुछ भी जरूरत ज्यादा नहीं है, मिर्ची से आप दो और उसके बाद मतलब साग जैसा जैसे कट होता है ना, साग और मूली दोनों को मिक्स करके आप कट कर दो और उसके दोनों भूंजते जाओ, जैसे आलू के भूंजे भूंजते हो ना वैसे ही। और इसमें अगर मसाला डालना है तो आप मसाला भी डाल सकते हो, मिर्च मसाला, गरम मसाला, ये सब डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट ना खुशबू अच्छी आ जाती है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ नमक हल्दी और मतलब मिर्ची से उसको छौंकती हूँ, और फिर गोल की जो ना उसको कूट के डाल देती हूँ। अगर मतलब पापा को खाना रहता है तो फिर गोल की कूट के डालती हूँ, और नहीं अगर ऐसे ही हम लोग को खाना रहता है तो हम लोग अपने में नहीं डालते, क्योंकि इसमें ना ये ना सादा ही अच्छा लगता है भुंजिया, मतलब सादा सादा चावल दाल पे अच्छा लगता है इसका भुंजिया। और बहुत टाइम के बाद बनता है ना तो कोई भी चीज अच्छा लगता है, मतलब बहुत जो रेगुलर बन रहा है वो चीज मतलब खाते खाते ना आदमी अंस आ जाता है, और जो ज्यादा टाइम के बाद बनता है तो वो लगता है कि जैसे मतलब खाने का इच्छा भी करता है, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत टाइम के बाद बन रहा है मूली और मतलब मूली और साग का भुंजिया, और हम लोग के घर में सबको अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगता है मूली और साग का भुंजिया, आप लोग कमेंट करके छोटा सा जरूर बताना, ठीक है। और इसमें मैं आलू भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन आलू मैंने नहीं डाला है, क्योंकि आलू का अलग से भुंजिया, अगर मतलब आलू का भुंजिया तो डेली ही बनता है ना, और आलू का बनाना रहेगा तो मैं अलग से बना लूंगी और इसमें मिक्स नहीं करूंगी। और उसके बाद मेरा इधर भुंजिया बन रहा था, और उसके अधिक से तो बन के हो चुका है, आधा से ज्यादा मेरा हो चुका है रेडी, मतलब सीख चुका है पूरा, अच्छे तरीके लाल होकर भुंजा गया है। इसका पत्ता जो है ना वो पूरा गल जाता है, इसमें आप नीमक डाल दोगे ना तो वो पूरा गल जाएगा, इसलिए नीमक आप ना लास्ट में डालना, हल्दी डाल देना, हल्दी डाल के भूनते जाना, थोड़ा सा कच्चा मतलब कच्चापन इसमें से हट जाएगा, तब आप उसमें नमक डाल देना और सीझ जाता, थोड़ा देर 5-10 मिनट आप उसको भूंजोगे ना अच्छे तरीके से तो वो सीझ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा हो चुका था, फिर मैंने ना जल्दी जल्दी इधर परी के लिए ना पास्ता बना दिया, क्योंकि परी ये सब चीज तो खाएगी नहीं, मतलब बच्चे लोग का होता है ना कि बच्चे लोग दाल चावल तो खाएंगे नहीं, रोटी खाएंगे नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज ही खोजते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, जैसे कि हलवा हो गया, पास्ता हो गया, मैगी हो गया, मतलब चावल को फ्राई करके कभी कभी मैं देती हूँ तो वो भी थोड़ा बहुत खाती है, तो कुछ एक्स्ट्रा जो अलग का होता है ना वो खाती है। और उसके बाद फिर मतलब ये इधर मेरा खाना निकल चुका है, पास्ता मैं परी के लिए लिए हूँ, तो यहाँ पे मूली का भुंजिया और फिर चटनी, धनिया पत्ता का चटनी था, और जो सब्जी मैंने आलू बोदी का सब्जी बनाया था, मेहनत से मैंने खाना पीना खाने के सोची थी, इतना कुछ मतलब ख्वाब जो होता है ना, ख्वाब मतलब ख्वाली पुलाव जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हो चुका था, बहुत ज्यादा कुछ सोच ली थी, ऐसे वैसे ये वो, दीपावली आ रहा, छठ आ रहा, ये पहनना वो पहनना, मतलब बहुत कुछ सोचने के बाद आज पता है क्या हुआ, आज मेरा टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ। 28 तारीख का मेरा टिकट था तो टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ, और फिर मतलब फेस्टिवल की वजह से ना इतना भीड़ भाड़ चल रहा, टिकट मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, और टिकट जो में मेरा ना 5 से 6 दिन पहले ही कटा था लेकिन फिर भी कन्फर्म नहीं हुआ, इतना पछतावा हुआ ना, इतना ज्यादा मतलब अफसोस, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करूं नहीं करूं, और सामान को देख देख के ना रोना आ रहा था, कितना मुश्किल से मैंने
और उसके बाद फिर मैं अनपैक कर रही थी और मम्मी को बोल रही थी कि टिकट मतलब अगर मतलब कंफर्म हो जाता तो अभी तक हम लोग का जाने का कहाँ प्लान था और जाने का प्लान कहाँ हो गया। मम्मी लोग सब लोग घर जा रहे हैं तो अब मुझे भी मम्मी लोग के साथ घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि टिकट का कंफर्म हुआ नहीं। और फिर मतलब बच्चे को लेके अकेले रहना पॉसिबल ही नहीं है और फेस्टिवल सब है तो फिर मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे रहने का कोई चांस ही नहीं है। और फिर मतलब होता है ना सामान सब इतना मतलब दिक्कत से बहुत मतलब सोच समझ के एक एक चीज मतलब ससुराल में मुझे क्या किस चीज का जरूरत था, क्या चीज वहां पे मतलब लेना पड़ जाएगा, क्या मतलब मैं ले जा सकती हूँ, सब कुछ सोच समझ के मैंने बहुत कुछ डाला था, पैकिंग किया था रात रात भर। मैं परी को सुला के और उसके रात रात भर मैंने पैकिंग की है तो बहुत ज्यादा पछतावा लग रहा था, बहुत मतलब सामान देख देख के समझ में नहीं आ रहा था। सारा सामान मैंने बैग को पैक किया था और सारा बैग मैं ही बैठ के खाली कर ली और उसके देख सकते मेरा ट्रॉली बैग पूरा खाली हो चुका है क्योंकि अब तो जाना ही नहीं है ना। तो फिर सामान मुझे गांव जो लेके जाना है ना, जो मैं मतलब अपने घर लेके जाऊंगी ना नहीं मायके, तो वो सब मैं अब इसमें डालूंगी। तो उसमें भी मतलब है ना मुझे ना रिंग लाइट भी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वहां ना वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है और लॉन्ग वीडियो के लिए तो मुझे रिंग लाइट की जरूरत नहीं रहती क्योंकि लाइट मतलब घर में रहता है ना, इसकी वजह से उतना अंधेरापन भी नहीं आता है। लेकिन मुझे ना शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाती हूँ उसके लिए मुझे रिंग लाइट की जरूरत पड़ती है तो मुझे रिंग लाइट भी लेके जाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है, बहुत कुछ सोचना है और बहुत जल्दी जल्दी फिर से एक दिन के अंदर मेरा सारा पैकिंग भी मुझे करना है और अनपैक भी करना है। उस ट्रॉली दो ट्रॉली मैं लेके जाने वाली थी वहां ससुराल, तो मैं दोनों ट्रॉली मतलब एक ट्रॉली तो खाली हो गया, अब दूसरा ट्रॉली जो है उसको भी खाली कर लूंगी, उसमें भी सारा सामान सब निकाल के और फिर मुझे जो ले जाना रहेगा ना जो मतलब 2-4 दिन वहां रहना है, छठ पूजा तक रहना ही हो जाएगा क्योंकि जाना और फिर तुरंत आना पॉसिबल भी नहीं है और इसी के वजह से छठ पूजा तक रहना ही पड़ेगा। तब तक के लिए ठंडा भी आ जाएगा, बच्चे लोग का ठंडा तो आ ही चुका है ज्यादा, मतलब ना बच्चे लोग को मतलब हल्का हल्का जो इनर होता है ना वो सब पहनाने का टाइम ही आ गया, तो परी के लिए भी बहुत कुछ लेके जाना पड़ेगा ठंडा के लिए। तो मैं सारा पैकिंग सब इसमें कर रही थी। बाद गाइस सारा मेरा अनपैक हो चुका है, अनपैक होके फिर से पैकिंग हो चुका है, जो जो मुझे जरूरत था वहाँ पे वो सारा सामान मैंने डाल लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं पहुँच गई किचन में चाय बनाने के लिए और फिर पास्ता बनाने के लिए, क्योंकि पास्ता मतलब रात के टाइम ना सुबह के टाइम परी के लिए बना था तो बिल्कुल भी परी नहीं खाई, थोड़ा सा भी नहीं खाई, हम लोग खाए थे थोड़ा थोड़ा, मैं थोड़ा सा मम्मी ऐसे हम लोग खा के खत्म कर दिए थे, परी नहीं खाई थी। तो फिर परी के लिए मैं थोड़ा सा फिर से पास्ता बना रही हूँ, तो पास्ता जो मैं बनाती हूँ ना परी के लिए वो बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, ना ज़्यादा प्याज ना ज़्यादा मतलब मसाला वसाला कुछ भी नहीं डालती उसमें, प्लेन रहता है, ठीक है, जैसे मैगी प्लेन मैगी बच्चे लोग के लिए बनता है ना वैसे ही। तो यहाँ मैं चाय छन्नी से छान छान के निकाल ले रही हूँ पास्ता जो है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा था ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था ना इसी के लिए, तो यहाँ मैं चाय छन्नी से निकाल ले रही हूँ। और उसके बाद फिर डायरेक्ट ना थोड़ा सा प्याज डाल के, थोड़ा सा प्याज कट करके डाल दूंगी और थोड़ा सा टमाटर कट करके डाल दूंगी, और मिर्ची मैं नहीं डालती, मिर्ची मतलब एक डाल दूँ क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा ठीक रहता है ना, बच्चे लोग भी थोड़ा सा तीखा मीठा ऐसे खाने के लिए खोजते हैं, बच्चे लोग को भी अगर सादा ज़्यादा रहना तो बच्चे लोग को भी पसंद नहीं पड़ता है, तो इसी के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ना सिर्फ एक मिर्ची डाल दूंगी। और परी अभी नाना के साथ खेल रही है, तब तक मैं इधर बना लूंगी अपना पास्ता और चाय नाश्ते में, शाम का टाइम हो चुका है और उसके बाद आज रात को हम लोग को निकलना भी है, तो देखते हैं। पैकिंग तो हो चुकी है और कुछ कुछ सामान सब है वो सब सब रखना है और फिर रात के खाने के लिए तैयारी करना है, क्योंकि पहले ही बन के रह जाएगा ना तो ठीक हो जाता है, टेंशन उतना नहीं रहता, नहीं तो ना टाइम होते रहता तो फिर टाइम नजदीक आते जाता ना तो लगता है ऐसे कि लेट ना हो जाए, मतलब टाइम पर पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए ऐसा हो जाता, ठीक है।
मतलब लगता है ना कि स्टेशन पहले ही हम लोग पहुंच जाए तो फ्री होके हम लोग थोड़ा सा बैठते हैं शांति से, ठीक है। और फिर परी भी बहुत ज्यादा स्टेशन पे बहुत ज्यादा बदमाशी करती है, बहुत ज्यादा ही बदमाशी करती है। तो इसलिए मैं ना 5-6-7 बजे तक ना सारा कुछ लिट्टी उट्टी जो भी बनाना, लिट्टी चोखा शायद बनेगा तो वही मैं बना के फ्री हो जाऊंगी। और उसके बाद कुछ कुछ परी का छोटा मोटा सामान से ना वो सब पैक करते जाऊंगी, क्योंकि मतलब होता है ना कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कुछ ना कुछ लगता है कि उनका छूट ही जाता है जाने टाइम तक, लगता है जैसे कि मतलब ध्यान ही नहीं रहता, ठीक है। तो एक एक चीज मुझे याद कर करके डालना है। तो उसके बाद फिर मैं करू का तेल में ही पास्ता बनाती हूँ, ऐसे ज्यादातर तो करू के तेल में ही बनता है। और बहुत लोग होता है रिफाइंड में भी बना लेते हैं, लेकिन रिफाइंड का तो मेरे घर में कुछ भी नहीं बनता, सिर्फ करू के तेल का ज्यादा कुछ तेल, मतलब पूरी भी छनाता है तो घी में छनाया या तो करू का तेल में छनाया, रिफाइंड में नहीं छनाता, ठीक है।